Class 11th, welcome to all of you. Now we will start with another phylum, which name is Eschelminthes. Phylum तो फाइलम क्रेटिहेलमिन्थीस में तक आपका हुआ था कंप्लीट, उसके आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट फाइलम आपका एस्केलमिन्थीस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नीमेटोड एंड बॉडी ऑफ नीमेटोड इज सर्कुलर, देयर फोर दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म। देखिए, इसको बोलते हैं राउंड वर्म। राउंड वर्म बोलते हैं नीमेटोड। नीमेटोड इनकी बॉडी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत मुड़ी होती है, सर्कुलर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं नीमेटोड। नीमेटोड का मतलब होता है कि सर्कुलर बॉडी को हम क्या बोलते हैं, नीमेटोड। और जो ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम से बिलोंग करता है उसको बोलते हैं नीमेटोडा। नीमेटोडा इसको राउंड वर्म भी बोलते हैं। एस्केलमिन्थीस का एक और नाम है जिसको बोलते हैं क्या, नीमेटोडा। तो पहला करैक्टर है कि इनकी बॉडी राउंड होती है, इसलिए इसको राउंड वर्म बोलते हैं। नीमेटोडा का मतलब होता है राउंड, सर्कुलर बॉडी, इसे इस पूरे फाइलम को हम बोलते हैं नीमेटोडा। आगे इसका अगला करैक्टर देखते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। फ्री लिविंग का मतलब ऐसा है, फ्री लिविंग का मतलब ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, या तो वाटर में या लैंड पे ये फ्रीली मूव करते हैं, ये कहीं चिपके नहीं रहेंगे, मतलब अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। जैसे हम लोग फ्री मूव करते हैं, हम लोग फ्री लिविंग हैं, ठीक है, तो इसी तरह से ये भी फ्री लिविंग होते हैं। इसके अलावा फ्री लिविंग है एक्वाटिक, यानी ये पानी में भी पाए जाते हैं, एक्वाटिक यानी पानी में पाए जाते हैं। अगला है टेरेस्ट्रियल, पानी में भी पाए जाएंगे और लैंड में भी पाए जाएंगे, यानी भूमि पर भी पाए जाएंगे। और पैरासिटिक का मतलब ये होता है कि ये किसी के बॉडी से चिपक कर उससे अपना नरिशमेंट लेते रहेंगे, न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, यानी पैरासिटिक भी होते हैं, किसी के बॉडी पर डिपेंडेंट रहेंगे, उससे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो फ्री लिविंग भी है, एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और पैरासिटिक भी है। अगला कैरेक्टर इसका देखते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें ऑर्गन पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें ऑर्गेन होगा, इसे कोई ऑर्गेन मतलब से सेक्सुअल ऑर्गेन होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन होगा, वेल डेवलप्ड नहीं होगा लेकिन इनमें ऑर्गेन होता है। तो ऑर्गेन के प्रेजेंस की वजह से इनका जो बॉडी का जो सिस्टम है वो ऑर्गेन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी ये टिश्यू पर ही अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ सेल से ही अपनी लाइफ पूरी कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी एग्रीगेट होगा कई टिश्यू और इनका एक ऑर्गेन बनेगा, दो चार डेफिनेट ऑर्गेन बनेगा। उस ऑर्गेन के थ्रू मतलब वो उस ऑर्गेन के प्रेजेंस में मतलब उस ऑर्गेन को मिलकर पूरी बॉडी इनकी बनती है और उससे ये पूरी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट का मतलब डेफिनेट इसमें माउथ होगा और एनस होगा, माउथ से क्या करें फूड को इंटेक करेंगे और एनस के थ्रू ये पूरे पूरे अपने फूड को मतलब कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को
ये बाहर निकाल देंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल इसमें इनमें इनकम्प्लीट होता है, मतलब कम्प्लीट होता है, मतलब माउथ और एनस डेफिनेट मतलब होगा, मतलब उसका एक एक डिमार्केटिंग उसका एक फॉर्म होगा। अगर माउथ और एनस अगर डिमार्केटिंग नहीं है, अगर डेफिनेट नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल इसमें कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब आप समझते ही होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एम्ब्रियोनिक जो लेयर होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म, ये तीनों लेयर मिलके इनकी बॉडी बनाते हैं, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी का मतलब पूरी बॉडी, जैसे एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस में इस तरह का होता है, एस्कैरिस की बॉडी मतलब उसमें सेगमेंट नहीं होगा, ऐसे पीछे सबसे पीछे मुड़ा होता है, इसको राउंड वर्म बोलते हैं, राउंड मतलब मुड़ा हुआ है। तो ये आपका एस्कैरिस है, देखिए इसमें कहीं सेगमेंट आपको दिखाई नहीं देगा इस तरह से। तो जब सेगमेंट नहीं है तो इसको बोलेंगे अनसेगमेंटेड बॉडी। इसका बॉडी क्या है? अनसेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पाया जाएगा तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग होगा, तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं डायोसीआईओयूएस। डायोसियस का मतलब होता है, ये डायोसियस होते हैं, ठीक है, डायोसियस मतलब होता है मेल एंड फीमेल इज सेपरेट, डायोसियस का मतलब इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी होगी, यानी मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। इस वजह से इसमें क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होता है। तो ऐसे के लिए इस्तेमाल करते हैं डायोसियस। अगर ये मोनोइशियस होता है, मोनोइशियस का मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है, यानी एक ही इंडिविजुअल में दोनों ऑर्गन है, मेल भी है फीमेल भी, यानी स्पर्म भी है और एग भी है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोनोइशियस। जबकि ये क्या होता है, एस्केलिमेंथिस नेमेटोडा, ये डायोसियस होता है, ठीक है। तो डायोसियस का अपोजिट मोनोइशियस। इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। इसमें फीमेल जो होती है, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। इसे आपके बुक में आप देखिएगा, इसमें स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर बनी होगी, इस तरह से देखिएगा बना होगा, ये आपका फीमेल है
यानी बड़ा है और ये मेल है, यानी मेल के कंपेयर में फीमेल की बॉडी बड़ी होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्कैरिस, एस्कैरिस इसका पूरा नाम होता है एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइटिस। आप सिर्फ एस्कैरिस से ही समझें इसको। एस्कैरिस वो होता है जैसे कि आपके पेट में जब होता है कि भाई कीड़े पड़ गए, पेट दर्द करता है, तो वो एस्कैरिस ही होता है, वो केचुआ नहीं होता है, वो फेरेटिमा पोस्टिमा नहीं होता है, वो एस्कैरिस ही होता है जो आपके पेट में हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं कुछ मिट्टी खाने से, फिर गंदगी वाले फूड खाने से, तो एस्कैरिस वही होता है जो आपका पेट दर्द करता है। तो एस्कैरिस का फीमेल जो होता है वो बड़ा होता है, मेल जो है छोटा होता है। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ये लेस एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते आगे। इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। अब इसको समझे क्या होता है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यह है कि कोई ऑफस्प्रिंग, अगर नया कोई इसका अगर एक प्रोजेनी पैदा हो रही है, ऑफस्प्रिंग मतलब उसका कोई बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब उसका डॉटर या फिर उसका प्रोजेनी, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि एकदम उसी फॉर्म में वो क्या बन जाएगा, मतलब डेवलप करता जाएगा। इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि वो एडल्ट फेज में पहुंचने से पहले एक दूसरा फेज लेगा, मतलब उसका रूप बदला हुआ रहेगा। तो एडल्ट फेज में पहुंचने के पहले एक दूसरा एक फॉर्म वो मतलब कि एक अचीव किए रहेगा, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसी ह्यूमन में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी ह्यूमन का अगर बेबी पैदा होता है तो उसकी भी मतलब दो हाथ दो पैर आंखें रहती हैं, डेफिनेट शेप, मतलब अब वही बच्चा है, अब वो बड़ा होगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि कोई न्यूमन्स पैदा होगा तो पहले वो लार्वल स्टेज में होगा, फिर इसके बाद वो एडल्ट वाला रूप पकड़ेगा, यानी एडल्ट में पहुंचने से पहले एक वो दूसरा डेफिनेट फॉर्म में अचीव करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है एस्कैरिस में। अब आपका अगला फाइलम है फाइलम एनीलिडा। एस्केलमेंथीज के बाद फाइलम, फाइलम एनीलिडा। एनीलिडा का मतलब जिसमें केचुआ होता है, जिसको बोलते हैं क्या, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म कल ही हम फाइलम के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अब आइए फाइलम एनीलिडा। एनीलिडा मतलब अर्थवॉर्म फाइलम, अर्थवॉर्म फाइलम मतलब जिसमें अर्थवॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे अर्थवॉर्म से आप समझ जाएंगे किस फाइलम के बारे में बात हो। इसका पहला कैरेक्टर देखिए कि दे मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग्स। ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक में, एक्वेटिक मतलब जलीय है, पानी में पाया जाता है। इसमें मेराइन है यानी समंदर में पाया जाएगा, और फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब इसे नदी का जल, नदी का पानी, फ्रेश वाटर मतलब जिसमें साल्ट कम है यानी NaCl कम है। तो ये एक्वेटिक है जिसमें मेरीन भी है, समंदर में पाया जाएगा, फ्रेश वाटर मतलब रिवर में पाया जाएगा, वहाँ भी पाया जाता है। इसके अलावा क्या है, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, यानी लैंड पर यानी भूमि पर भी ये पाया जाता है। एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब मैं बताया था आपको, फ्री लिविंग का मतलब फ्रीली कहीं मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं बिल्कुल। तो फ्री लिविंग भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, लैंड भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक भी है, मतलब एक्वेटिक में दो, मैरीन जिसमें साल्ट ज़्यादा है उसमें समंदर में भी पाए जाते हैं, फ्री मतलब फ्रेश वाटर मतलब रिवर में भी पाए जाते हैं। इसका पहला कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर इसका है, इसमें ऑर्गेन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गेन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, नहीं, ऑर्गेन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है, इसमें रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन भी पाया जाएगा, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी पाया जाएगा,
इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गेन भी पाया जाएगा, इसमें क्या होगा नर्वस कोऑर्डिनेशन भी पाया जाएगा, यानी रेस्पिरेशन के लिए एक ऑर्गेन होगा, रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेन होगा, एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गेन होगा, नर्वस सिस्टम के लिए नर्व्स इम्पल्स होंगे। तो इसका क्या कहेंगे, ऐसे सिस्टम को, ऐसे सिस्टम से जिसकी बॉडी बन रही है उसको बोलेंगे ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एडवांस बोलेंगे। जैसे हम लोगों में ऑर्गेन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब हमें एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है, यानी हम लोग ऐसे ऑर्गेन सिस्टम जिसमें होते हैं वो ऑर्गेनिज्म एडवांस में आते हैं, सबसे एडवांस हम ही लोग होते हैं। फिलहाल इसके अगला कैरेक्टर देखें, ऑर्गेन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये है नेक्स्ट आपका, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लो मतलब तीन, डिप्लो मतलब दो, ट्रिप्लो मतलब तीन लेयर, LAYER, थ्री लेयर का मतलब इनकी पूरी पूरी जो बॉडी बनी होती है वो एम्ब्रियो की तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। तीन लेयर आपको बताया था पहले पार्ट में बताया था, जिसको ना समझ में आया पहला पार्ट जरूर देखें तभी आप समझ पाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब होता क्या है। तीन लेयर का मतलब एम्ब्रियो का एक्टोडर्म भी होगा, एक्टोडर्म सबसे बाहर का, मीजोडर्म जो बीच का है मीडियम, मीजोडर्म और एंडोडर्म, यानी कि पूरी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी एम्ब्रियो के जो लेयर होते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है, इससे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम लोग भी हैं, ठीक। तो फाइलम एनेलिडा में एक्वेटिक होता है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसको आप याद जरूर करिएगा, इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। अब ये क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, देखो इसका मतलब क्या है सर समझे। देखिए एक डायग्राम बनाएंगे उससे आप समझ सकते हैं स्ट्रक्चर। अर्थवर्म मेरे ख्याल से आपने सभी ने देखा होगा, जो ना देखे टेक्नोलॉजी का जमाना है आप यूट्यूब से देख सकते हैं अर्थवर्म केचुआ कैसा दिखता है। देखिए अर्थवर्म को EARTH अर्थवर्म, इसका साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा पॉस्थ्यूमा। ये साइंस का रूल है कि जब किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन जरूर करते हैं, तो आप अंडरलाइन जरूर करिएगा, साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी का मतलब देखिए समझे क्या है, मतलब इसके बॉडी पर सेगमेंट होगा छोटे छोटे, जैसे केचुआ है ये, मतलब अर्थवर्म, ये अर्थवर्म की बॉडी है, अब इसके बॉडी पर छोटे छोटे, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो छोटे छोटे सेगमेंट होंगे, सेगमेंट, ठीक। ये आपका क्लाइटिलियम पोर्शन है, ठीक है। तो इन एक सेगमेंट को हम बोलेंगे मेटामर, METAMER। अगर किसी की बॉडी पर अगर ये सेगमेंट पाया जाता है तो उसकी बॉडी को बोलेंगे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। अब मेटामर का मतलब क्या होता है, मेटामर का मतलब यही होता है, इसमें मान लीजिए स्ट्रक्चर है कोई, एक लाइनिंग यहाँ पर है सेगमेंट, दूसरा उतनी ही दूरी पर है, तीसरा उतनी ही दूरी पर है, चौथा उतनी ही दूरी पर है। कहने का मतलब है कि इसके मैक्सिमम सेगमेंट जो है एक डेफिनेट शेप बनाते हैं, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। अब जैसे इसको आप मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं कर सकते हैं कि ये है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे,
फिर ये मतलब ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड ये नहीं है, ये सेगमेंटेड है लेकिन मेटामेरिकली सेगमेंटेड ये नहीं है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये है कि एक डेफिनेट इंटरवल पर सेगमेंट बनता जा रहा है, ठीक है। हालांकि केचुआ में आगे जब क्लाइटिलम पोर्शन आता है, आगे आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर सेगमेंट थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, लेकिन इसके मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम सेगमेंट एक डेफिनेट इंटरवल को क्या करते हैं, मतलब कि डेफिनेट इंटरवल को ये मतलब कि पार करते हैं। अगर ये इंटरवल अगर बराबर है तो उसको बोलेंगे मेटामेरिकली मेटामर, एक को बोलेंगे मेटामर, और ऐसे अगर सेगमेंटेड किसी की बॉडी है तो उसको बोलेंगे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर, जो कि अर्थवर्म में पाया जाता है, नेरी से पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अर्थवर्म की मतलब कि एनिलिडा का अगला कैरेक्टर क्या है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड के बाद इसमें है टिप्लोब्लास्टिक हो गया है, ये सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट्स का मतलब है इनमें सिलोम होगा, सिलोम का मतलब इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैविटी की तरह होगा, मतलब उसमें होल होगा, उस बॉडी कैविटी के अंदर ऑर्गन होगा मतलब सिचुएटेड होंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं सिलोमेट्स। पहले पार्ट में बताया था, जिसको ना समझ आए पहला पार्ट जरूर देखें। सिलोमेट्स के पास आप देखें बॉडी सेगमेंटेड होता है, और जो बॉडी होता है सेगमेंटेड के साथ साथ, ये बॉडी जो है सेगमेंटेड तो ही है, इस पर थिक क्यूटिकल होता है, थिक क्यूटिकल एक लेयर होता है, मोटा सा लेयर होता है, उसको बोलते हैं क्या, थिक क्यूटिकल क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, तो इस पर थिक क्यूटिकल होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड के ऊपर, सिलोमेट्स होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखें, इनके बॉडी में लोकोमोशन के लिए सीटी होता है, सिंगल को सीटा बोलते हैं, लेकिन सीटा होता क्या है, ये अर्थवर्म की बॉडी है, समझे, इसके सेगमेंट में बीच बीच में यहां पर कुछ ऐसी सी खुरदुरे लाइनिंग होंगी, खुरदुरे मतलब रफली, इस लाइनिंग से, खुरदुरे लाइनिंग से ये क्या करता है, इसको सिकोड़ के फिर एक्सपेंड करके क्या करता है, ये मूवमेंट करता है, तो इसका ये क्या, ये सीटी है, SETAE, ये सीटी, ये किसके लिए होता है, ये लोकोमोशन के लिए होता है। तो लोकोमोशन के लिए इसमें एक स्पेशल एक ऑर्गन होता है, ऑर्गन मतलब सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं सीटी, तो सीटी फॉर लोकोमोशन। इसको पॉइंट तो जरूर आप याद करें, अंडरलाइन करें, ये इंपॉर्टेंट है। सीटी पाया जाता है किसमें, एनिलिडा वाले फाइलम में। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, सीटी होता है लोकोमोशन के लिए, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था दो होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन एक होता है क्लोज। ओपन का मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाएगा, यानी एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, और अगर प्रेजेंस ब्लड वेसल्स तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज का मतलब इसमें ब्लड वेसल्स पाया जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब इनका ब्लड फ्लो करने के लिए एक पाइप होगा, नेटवर्क होगा, जैसे हम लोगों में क्लोज होता है, ऐसा नहीं कि सेल से सेल या फिर टिश्यू टू टिश्यू हमारा ब्लड फ्लो होता रहता है, ऐसा नहीं है, एक हमारा नेटवर्क होता है, ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरी भी हम लोग में होता है, तो हम लोग में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वही सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें भी पाया जाता है, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स होती है ब्लड की फ्लो करने के लिए, तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज है, सीटी होता है लोकोमोशन के लिए, सिलोमेट्स होते हैं यानी बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी में इनके ऑर्गन फिट रहते हैं। अगला पॉइंट देखें, एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया से क्या करते हैं, ये
एक्सक्रीशन करते हैं, यानी अपनी गंदगी को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसमें नेफ्रिटिया कई तरह के होते हैं, सेप्टल होता है, और हालांकि उसको तो आप आगे पढ़ेंगे। तो नेफ्रिटिया होता है किसके लिए? फॉर एक्सक्रीशन। तो नेफ्रिटिया से क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं। हम लोग एक्सक्रीशन किससे करते हैं? किडनी होता है हमारे एक्सक्रीशन के लिए, यूरिनरी ब्लैडर होता है, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रिडिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये डायोसियस और मोनेसियस, ये डायोसियस और मोनेसियस दोनों होते हैं। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, एक में मेल सेक्सुअल ऑर्गन, दूसरे में फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, तो उसको बोलेंगे डायोसियस। और अगर मोनोसियस है तो उसके अंदर एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन है, यानी होता है ना, डायोसियस मतलब एक लिंगी और मोनोसियस मतलब द्विलिंगी, है ना, यानी एक ही ऑर्गन में दोनों लिंग हैं। इसमें डायोसियस मतलब एक, मतलब कि डायोसियस मतलब कि अलग अलग एक लिंगी, जैसे मनुष्य क्या है, ह्यूमन क्या है, एक लिंगी है, ठीक है, यानी यूनिसेक्सुअल है, अलग अलग, फीमेल अलग सेक्सुअल ऑर्गन, मेल अलग सेक्सुअल ऑर्गन। तो एनलिडा में क्या होता है, इतने एडवांस, मतलब इतना इनकी डाइवर्सिटी है कि इसमें मोनोसियस भी होता है और डायोसियस भी होता है, ठीक, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, दोनों होते हैं इसमें। आगे फाइलम एनिलिडा के बाद आपका नेक्स्ट फाइलम है, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम आपको बताने आप जा रहे हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखिए आपको जो जो हम फाइलम हम लोग बता रहे हैं, मतलब हम बता रहे हैं जो भी, हर फाइलम का नोट्स आपको जब पहुंचेगा तो नोट्स हर फाइलम का लिखने के बाद दो चार उसकी स्पीशीज का डायग्राम जरूर बताएं, मतलब बनाएं, ठीक है। आपके नोट्स में डायग्राम मतलब एग्जाम्पल दिया गया है कि इस फाइलम में क्या क्या पाया जाता है, तो ये आपका काम है कि आप डायग्राम जरूर बनाएं, तो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया हो। तो नेक्स्ट आपका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में पहला करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख लें, इसके एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, क्योंकि ये फाइलम सबसे बड़ा होता है पूरे एनिमल किंगडम में, यानी इससे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं क्या, ऑर्गेनिजम्स। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। जितने इंसेक्ट आप देखते हैं, मक्खी है, कॉकरोच है, भौरा है, बीज है, ठीक है, खटमल है, ये सब के सब इसी में आते हैं, किसमें, आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में, ठीक। आर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब अपेंडिजेज, यानी इसके जो ऑर्गेन होते हैं एकदम ज्वाइंट होते हैं शरीर में, ठीक है, इसलिए इसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। पहला क्या है ये लार्जेस्ट फाइलम है, क्या है ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फाइलम होता है पूरे एनिमल किंगडम का, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किंगडम। दूसरा पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, दे हैव ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गेन सिस्टम, उसी तरह से ऑर्गेन सिस्टम का मतलब है इसमें तरह तरह के ऑर्गेन होगा, रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेन होगा, एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गेन होगा, रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेन होगा, ठीक है, इसके अलावा एक्सक्रीशन हो गया, मतलब डाइजेशन इसका होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यानी ऑर्गेन सिस्टम का मतलब तमाम ऑर्गेन होगा जो हम लोगों में होता है, तो ये एडवांस होते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, ये बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, क्या होते हैं, बाईलैटरली सिमेट्रिकल। फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सिमेट्री क्या होती है, बाईलैटरल क्या होता है, फिर भी आप थोड़ा सा समझ लें, बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब, जैसे आपके सोचिए सेंटर से एक एक्सिस है, ये इस एक्सिस से अगर एक इमेजिनरी लाइन को पास किया जाए बीचों बीच हमारे बीच से, ठीक है, एक्सटर्नली बता रहा हूँ, अगर आप इसको अगर सेंटर से लाइन अगर पास करें और एक लाइन को क्रॉस करें, समझिए आपकी पूरी बॉडी को अगर डिवाइड करती है, तो देखिए ये बॉडी डिवाइड होगी, बायलेटरल सिमेट्रिकल मतलब ये है, सेंटर से एक्सिस एक लाइन गई, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक पैर इधर एक पैर इधर, एक आंख इधर एक आंख इधर, ठीक है,
माउथ का आधा होंठ इधर आधा इधर। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन अगर किसी ऑर्गेनिज्म पर अगर आप पास कर रहे हैं और वो दो बराबर डिवाइड अगर हिस्सों उसको बांट रही है तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। कॉकरोच को देख लीजिए, मक्खी को देख लीजिए, अगर आप एक इमेजिनरी लाइन पास करें तो वो बराबर हिस्सों में बढ़ता है। मैमल्स से बुफेलो को देख लीजिए, काऊ को देख लीजिए, ह्यूमन को देख लीजिए, बंदर को देख लीजिए, सब क्या होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। तो इसमें क्या होता है बाइलेटरली ये सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, यानी एक सेंटर से एक्सिस पास करें इमेजिनरी लाइन तो बराबर हिस्सों में इनके शरीर को बांट देगा, तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाकी और इसको डिटेल में अगर आपको जानना हो तो फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, वरना ये नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो आप समझ ही गए होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म तीनों लेयर एडवांस मतलब कि इन्वॉल्व हो रहे हैं इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, बायोलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो बॉडी होता है बॉडी इज कवर्ड विथ काइटिनस लेयर। काइटिनस लेयर का मतलब होता है कि कॉकरोच या कोई जो इंसेक्ट होता है आप देखते होंगे कि उसकी बॉडी के ऊपर काइटिन का लेयर होता है, यानी काइटिन एक तरह का सब्सटेंस होता है, शुगर होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। काइटिन की लेयर से क्या होती है, इनकी बॉडी पूरी पूरी कवर होती है, तो इनका बॉडी जो होता है वो कवर होता है किससे, काइटिन से, ठीक है। तो इसमें काइटिनस लेयर होता है इनकी बॉडी को कवर करने के लिए, ठीक है। दे आर द एनिमल विथ जॉइंटेड लेग। अगर कॉकरोच को आप पलट के देखें तो उसका पैर इस तरह से जॉइंट होगा पूरे उसके थोरैक्स पर, उसके एब्डोमेन पर, कि आपको लगेगा कि पूरे शरीर में इसका क्या है, पैर घुसा हुआ है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जॉइंटेड ऑर्गेनिज्म, जॉइंटेड अपेंडिजेस इसमें होता है, ठीक है। तो जॉइंटेड अपेंडिजेस, ठीक है, तो जॉइंटेड अपेंडिजेस होता है, यानी इसके पूरे हाथ पैर एकदम ज्वाइंट होते हैं इसके शरीर से, ठीक है। इसमें सर्कुलेटरी अरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें गिल्स के थ्रू होता है, क्योंकि कुछ एक्वेटिक होते हैं मछली की तरह, और एक बुक गिल्स होता है, एक ऐसा गिल्स होता है जो किताब की तरह खुलता है, ऐसा स्ट्रक्चर उसका दिखाई देता है, इसे उसको बुक गिल्स बोलते हैं। और एक होता है बुक लंग्स, तो बुक लंग्स मतलब जो किताब की तरह खुलता हो, ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होता है, क्लोज नहीं होता है, यानी इनमें ब्लड को फ्लो करने के लिए कोई ब्लड वेसल्स नहीं गई हुई है, यानी टिश्यू टू टिश्यू, सेल टू सेल जो ब्लड है पूरा उसको क्या कर देगा, उसको मतलब उसमें एक से दूसरे में पास होता जाएगा। तो इनमें क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंटीना होता है इनमें, जो इनकी एंटीना होती है निकली होती है वो होता है किसके लिए, सेंस के लिए, वो चेक करते हैं कि प्रे किधर है, कोई मुझे खतरा तो नहीं है। तो एंटीना के लिए क्या होता है, इनकी सेंस के लिए होता है। इनकी जो आँखें होती है दो तरह की होती है, कंपाउंड एक सिंपल, सिंपल का मतलब जो बड़ी आँखें दिखाई देती है, कंपाउंड मतलब जो छोटी छोटी आँखें उसके अंदर होती हैं, मतलब उसके अगल बगल होती है। तो सिंपल और कंपाउंड दोनों इनमें आँखें होती हैं। इनमें एक्सक्रीशन मेलपिगियन ट्यूबुल्स होता है, मेलपिगियन ट्यूबुल्स फॉर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इनमें मेलपिगियन ट्यूबुल्स होता है, तो एक्सक्रीशन के लिए इनकी एक ट्यूबुल्स होता है, एक ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं क्या, मेलपिगियन ट्यूबुल्स। एक साइंटिस्ट है मेलपिगी, उन्होंने इसको खोजा था। ये मोस्टली डायसियस होते हैं, डायसियस का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनमें क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। आगे देखें आप, इनमें फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, इंटरनल होता है, यानी फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर मेल और फीमेल सेक्सुअल जो वो होते हैं सेल होते हैं वो फ्यूज करते हैं, तो इंटरनल इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। डायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से होता है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब कि जो मतलब कि एडल्ट में सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाए, और इनडायरेक्ट मतलब कि एक बीच में एक फेज आती है जो एडल्ट की तरह नहीं दिखती है। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें बाकी फाइलम चार हैं, अरे चार क्लास हैं, क्रस्टेशिया,
मिरियोपोडा, एरेक्निडा, इंसेक्टा और एक और है ओनाइकोफोरा। यानी इसमें पांच क्लास होती है। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जितना इसका आपका मैंने करेक्टर बताया वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया एस्किलमेंथीस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। अब आपका नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। सबसे बड़ा फाइलम होता है आपका आर्थ्रोपोडा, इसके बाद आपका जो मोलस्का होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आपका होता है। तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मोलस्का ही होगा। तो जितना बताया गया उसको आप रिविजन करें, इससे रिलेटेड जितने भी आपके स्ट्रक्चर हैं उसको जरूर बनाएं। तो नेक्स्ट आपके वीडियो में हम मिलेंगे मोलस्का फाइलम के साथ।